ना इसका मोह है ना इन्हें को लालच है किसी चीज़ का, ये तो हमने ज़बरदस्ती ठा है, ये तो मना कराया था सरपंच बने नहीं, मना भाई खड़े हो हमारा गांव बहुत पीछे चलेगा भाई साहब, पूरा भरोसा काम करेगा ना कराया था हमारे ये अंकित कराओ सामाजिक आदमी थे ये सबका सामाजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो करो हम कहें इन्हें भी चल लेंगे पाछे भी नहीं रहा था ये। हम बहुत बढ़िया पंचायत तो बहुत बढ़िया सरपंच आ रहे हैं, ऐसा सरपंच आ रहे हैं मेरे गांव भैंसवाड़ कला में, हरियाणवी संस्कृति का उत्पादन होता रहे, और सबसे अच्छा काम ये चाहता हूँ मेरे गांव का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी बनवानी है, अगर सुंदरा सरपंच बनेगा तो इस नोटली है ये लाइब्रेरी भी बनवाओगा, बच्चे शहर में नहीं जाएंगे पढ़ने, यहीं पढ़ेंगे, फीस भी कम लगेगी। चौधरियों और खिलाड़ियों के गांव भैंसवाल मिठान पाना की पंचायत में सुरेंद्र सिंह मलिक ने चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ किया अनोखा प्रचार, कहा पहले भी काम किए और आगे भी लगन से काम करेंगे। अंग्रेजों के जमाने की गोहाना तहसील वैसे तो हमेशा ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रही है और गोहाना में गाँव भैंसवाल को क्षेत्र की राजनीति का अखाड़ा माना जाता है। अखाड़ा सिर्फ राजनीति का ही नहीं बल्कि पहलवानों से लेकर राजनेताओं की लंबी लिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अधिकारियों के अलावा दानी सजनों के तौर पर यहां के बुजुर्गों का नाम बेहद अदब से लिया जाता है। भगत फूल सिंह द्वारा भैंसवाल में गुरुकुल संस्थाओं के कारण आर्य समाज का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बलराज का सबसे बड़ा अखाड़ा यहाँ पर वर्तमान समय में 100 के करीब पहलवान शमशेर सिंह की देखरेख में कुश्ती के दावपेच सीख रहे हैं, मगर इन दिनों प्रदेश में पंचायती चुनाव की बयार बह रही है, ऐसे में भैंसवाल गांव के सरपंच पद के चुनाव को किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां पर दोनों पानों की पंचायत में केवल दो दो उम्मीदवार आमने सामने हैं, बात मिठाना पाना की करें तो सुरेंद्र मलिक सरपंच पद के दावेदार हैं। रविवार को जगत महान न्यूज की टीम ने मिठान पाना पहुंचकर उम्मीदवार के साथ उन द्वारा किए जा रहे अनोखे प्रचार को देखा, जिसमें वे अपने साइकिल के चुनाव चिन्ह के अलावा साइकिल लेकर ही मतदाताओं के द्वार पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र पहले भी सरपंच रह चुके हैं और उनका कहना है कि अब पुराने समय की सरपंची और चुनाव प्रचार के बदलने का वक्त आ गया है, वे बेहतर तरीके से काम करना जानते हैं, बस गाँव उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उन्होंने बताया कि समस्याओं का तो अंबार है और उन्हें दूर करना उनका काम पहला है। सुरेंद्र ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर वे पानी की निकासी को दुरुस्त करने का काम करेंगे और गांव में जन परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने का काम भी करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं कि वे किन मुद्दों को आधार बनाकर जीत के लिए मतदाताओं से वोट मांगने निकले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां दिखा रही है। आज भी हम अपने टीम के साथ पहुंचे हैं भैंसवाल कला के मिठान पाना पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ सुरेंद्र मलिक जी हैं जो कि पहले भी सरपंच रहे हैं, जानते हैं इस भैंसवाल कला गाँव में जहाँ पर काफी खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर काफी अफसर भी हैं, काफी टीचर भी यहाँ इस गांव में रहते हैं और काफ़ी अच्छा गांव है ये, जो कि पढ़े लिखे लोगों का गांव कह सकते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, इनका आप चुनाव चिन्ह भी देख सकते हैं, पहली बार हम देख रहे हैं कि लोग अपने चुनाव चिन्ह के साथ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ साइकिल के निशान के साथ जो है सुरेंद्र मलिक जी जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। आज इन्होंने रोड शो भी किया है, अपना गाँव में जो है शक्ति प्रदर्शन भी किया है, हजारों लोग इनके साथ थे। जानते हैं इनसे कि किस तरह का समर्थन मिला, किस तरह का आशीर्वाद मिला और किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं। सुरेंद्र मलिक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी। सुरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि पहले आपने सरपंची, आप सरपंच रहे हैं, सरपंची की है, तो क्या विकास कार्य उस समय किए थे जिसके कारण आज जनता आपके साथ हजारों की संख्या में आज रोड शो के दौरान निकली? सारे गांव की गलियां बनाई जी, एक भी कच्ची नहीं छोड़ी, कहीं भी कीचड़ नहीं छोड़ा, लोगों का दुख सुख में लोगों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पीले कार्ड बनवाए, गुलाबी बनवाए, घाट बनवाए, गऊ घाट बनवाए और जोड़ों का विकास कराया, पानी का जोड़ों पानी की पानी का वो कराया,
यानी कि आपने जो है मूलभूत सुविधाओं के साथ, मूलभूत सुविधाओं के साथ जो है गाँव को संपूर्ण विकास की तरफ आप लेके गए, लेकिन आज जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो दोबारा से आपने फिर से दावा ठोका है सरपंची का, अब की बार क्या आश्वासन दे रहे हो, क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको गाँव में? अब की बार जी एक तो लाइब्रेरी गाँव करेंगे जी, और जो भी गलियां में गली पानी नहीं है भाई, गली पाटी पड़ी है भाई, और भी जो जोड़ जाड़ में दिक्कत आ रही है, गऊ का घाट नहीं है, उनका भी विकास करेंगे हम। अभी जो हमने देखने को मिला गांव के अंदर, एक तो पानी निकासी की जो है समस्या है, गलियां जो नालियां बनी हुई हैं वो काफ़ी रुकी हुई हैं, उसका क्या प्रबंध आप करेंगे? इसकी सफाई करवाओगे जी और नाली बढ़िया बनवाओगे। अब की बार आपके सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि पौने दो साल से गांव की सरकार नहीं थी, सरकार के पास बस्ता होने के कारण जो गांव में मूलभूत सुविधाएं थी वो जर्जर हालत में चली गई हैं, संभाल नहीं पाई सरकार, तो वो चीज़ें भी सही करने की चुनौती आपके साथ होगी। गाँव में जैसे एक चीज़ें हमें सुनने को मिली है कि गाँव में हॉस्पिटल है लेकिन रात को डॉक्टर नहीं मिलता है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर करो? उनको जी प्रशासन से मिलकर दूर करेंगे जी। आपका जो गांव है वो खिलाड़ियों का गांव है, ओलंपियन योगेश्वर दत्त भी जो है आपके गांव के हैं, तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? वैसे तो बलराज अखाड़ा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वहाँ पे जो पहलवान है वो बगैर किसी खर्च के वहाँ पे सिखलाई करते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे विशेष? हम जी खिलाड़ियों को पूरी सहायता देंगे, जो मदद मांगेंगे वो आए देंगे। आपका गांव जो है काफ़ी बड़ा गांव है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो अब थोड़ा सा हाईटेक हो गया ज़माना, पहले ये पोस्टर बैनर भी नहीं देखने को मिलते थे गांव में, वैसे ही चुनाव प्रचार होता था, लेकिन अब सब कुछ होने लग गया। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो गांव में चौक चौराहों पर क्या आप CCTV कैमरे वगैरह लगा के गाँव को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे? कैमरे भी लगवाओगे जीरो और सफाई भी करवाओगे गाँव की पूरी। आजकल क्या होता है, लगवाओगे जी लाइट भी लगवाएंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर लाइट लगवाएंगे सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाएंगे। लेकिन अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव के सरपंच का काफी रोल होता है, गांव के हेडमास्टर से मिलके या शिक्षकों से मिलके काफी सुधार किया जा सकता है, तो आप कैसे देखते हैं गांव में शिक्षा की व्यवस्था? गांव में जी शिक्षा मंत्री से मिलकर पूरे टीचर रखेंगे और लाइब्रेरी की भी सुविधा करेंगे जी। बहुत अच्छी बात है। भैंसवाल कला में अगर रोडवेज की बात करें तो पहले बहुत सारी बसें आती थी, कनेक्टिविटी थी दिल्ली के साथ, लेकिन अब कम बसें सुनाई देती है, दिखती हैं, तो आप क्या प्रयास करेंगे सरकार के साथ? प्रशासन से मिलकर जो भी बस सा होगा गाँव वहीं लगवाएंगे। तो अब की बार क्या भरोसा है आपको, साइकिल चलने वाला है? हाँ जी, गाँव हमारे साथ है जी। अब आज आपने रोड शो किया, आपने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या आपको लोगों ने कहा कि अब की बार ये काम करवाओगे तो आपको वोट देंगे? माहौल बढ़िया है जी, सबके साथ है ना, सबका विकास करेंगे हम जी। क्या अपील करना चाहेंगे 12 तारीख के लिए अपने साइकिल के निशान के साथ के लोग आपको वोट दें? हाँ, जोड़ अपील करेंगे जी, सभी सारे भाई हमारे साथ रहें। तो दोस्तों ये थे सुरेंद्र मलिक, जो कह रहे हैं कि मैं अपने गांव में लाइब्रेरी भी बनाने का काम करूंगा, रोडवेज व्यवस्था को भी सुधारने का काम करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल हेडमास्टर या दूसरे प्रिंसिपल वगैरह से बात करके उनको भी सुधारने का काम करूंगा, रात को डॉक्टर नहीं मिलता है तो उसके लिए भी सरकार से ये प्रतिनिधि के रूप में बात करेंगे, और बहुत सारी जो कार्य हैं वो करने की बात ये कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे, लेकिन अब बीच में ये सरपंच नहीं रहे तो कुछ चीज़ें जर्जर हो चुकी हैं, पौने दो साल से सरकार भी नहीं थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं अगर चुना जाता हूं तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जगत महान न्यूज के लिए भैंसवाल कला मिठान पाना पंचायत से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।